हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा कोरोना की वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान है। और लॉकडाउन हुआ था तो लोग अपने घरों में थे, अभी लॉकडाउन ओपन हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सके ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज़ बाहर ना जाएं। और इस टाइम अपने हेल्थ को सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये इस टाइम कोरोना की वजह से लोग को इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको अंदर से हेल्दी होना ज़रूरी है, उनको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक काढ़ा बता देती हूँ, उस काढ़े में भी इस दालचीनी का यूज़ होगा और बहुत अच्छा काढ़ा बनेगा। इसके लिए आपको चाहिए, सपोज़ एक लोगों के लिए अगर काढ़ा बनाना है तो आप इसमें एक कप पानी लीजिए, बॉयल करने के लिए रखिए। उसमें थोड़ा सा एक चुटकी, एक पिंच दालचीनी और एक लौंग, दो काले मिर्च और चीनी का यूज़ मत कीजिए, गुड़ और तुलसी के पत्ते। और इसको अच्छे से खौला लीजिए। खुलाने के बाद में अगर आप चाहें तो इसमें अश्वगंधा भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और गिलोय भी डाल सकते हो, वो भी बहुत एक एक पिंच ही डालना है हर एक चीज़ को खौला कर। खुलाने के बाद में आप इसमें अगर चाहो तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो। और दूध आपको कब डालना है, दूध और गुड़ आपको कब डालना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब काढ़ा आपका अच्छे से खोल कर रेडी हो जाए, मतलब कि एक कप से एक तिहाई रह जाए, उसका एक पार्ट अच्छे से खोल जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आपको इसमें गर्म दूध ही डालना है। जब काढ़ा अच्छे से खोल जाए, मतलब कि एक कप का तीन पार्ट रह जाए, एक पार्ट खोल जाए, उसके बाद में फिर आप इस काढ़े को बंद कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हल्दी। आप हल्दी को डालना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जब आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उसके साथ में हल्दी भी डाल दीजिएगा। और हल्दी भी मैंने आपको सिर्फ एक इंसान के लिए बनाने के लिए बताया है, तो इसमें एक पिंच हल्दी डाल दीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं जितने लोगों के लिए आप काढ़ा बना रहे हैं। जैसे आप चार लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप चार पिंच उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए, इतनी हल्दी आपको चाहिए होगी। उस सबको खोलाने के बाद में फिर जब ये अच्छे से खोल जाए, खोलने के बाद में आप इस काढ़े को बंद कर दीजिए। और साइड में ही आप आधा कप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती, आप ऐसे भी इसे पी सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे काढ़ा पीना पसंद नहीं होता, उनमें दूध के साथ पसंद होता है। तो अगर आपको इसमें दूध ऐड करना है तो उस पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप साइड में दूध को भी आप खोला के रखिए अच्छे से। जितना तेज़ आपका काढ़ा गर्म है उतना ही तेज़ आपका दूध भी गर्म होना चाहिए। उसके बाद में फिर आप दोनों को ही बंद कर दीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए। आपको इसे खोलाना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लास्ट में आप गुड़ डालिए, क्योंकि अगर आप गुड़ साथ में डालोगे तो आपका काढ़ा फट जाएगा। आप कभी भी गुड़ की चाय भी आपने बनाई होगी, मोस्टली लोगों ने बनाई होगी, ऐसे खोलते में अगर आप गुड़ डालोगे तो आपका दूध फट जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है। उसको आप अच्छे से खून के, अच्छे से उसको मतलब कूट के रखिए। गुड़ का पाउडर तो बन नहीं सकता, उसे खून के ही रख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म है तो मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसको मेल्ट कर लीजिए। अब आपका काढ़ा एकदम रेडी हो गया, इसे आप छान लीजिए। छानने के बाद में आप इससे दिन में 3 बार लीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपको खुद से अंदर से, मतलब आप सिर्फ इसको एक हफ्ते ही लेकर देखिए, आपको खुद से ऐसा फील होगा अंदर से कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, काफ़ी मतलब आपको कभी मतलब जैसे आलस लगता है या फिर अंदर से वीकनेस लगती है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एक हफ्ते के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। अगर आप 3 बार नहीं भी पी सकते हो तो इसे 2 बार तो ज़रूर लीजिए। ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, स्पेशली ये काढ़ा इम्यूनिटी को मजबूत करता है बहुत ज़्यादा। तो ये था आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काढ़ा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।